हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। दोस्तों, सबसे पहले तो दुर्गा पूजा, दशहरा, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ भवानी आपके सपनों को साकार करें। तो दोस्तों, इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस का डिस्कशन। साइंस में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसके जितने भी साइंस के सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हर सेट का मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला, साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हर सेट में, ग्रुप डी के हर सेट में साइंस से कम 25 सवाल रहते हैं, 25 के आसपास रहते हैं, किसी में 20 से 25, 25 से 30 ऐसे सवाल रहते हैं। तो 100 में से 25 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अटेम्प्ट लेते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 25 सवाल बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप जितने भी हमारे सीरीज इसके में आएंगे, अगर वो सब आप देख लेते हैं, सब आप समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये हमारा आपसे वादा है कि आप इसको जरूर देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं। तो आज इस कड़ी में हम आपसे पहला सेट लेकर के आए हैं। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 17/9/2018 को। पहले शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, इसमें हमने आपके साइंस के सारे क्वेश्चंस अलग कर लिए हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। सो देखते हैं पहला सवाल इस कड़ी में, आज का पहला सवाल जी। पहला सवाल है फिजिक्स। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ऑप्शंस हैं भार, द्रव्यमान, आकृति और चाल। तो पहला सवाल है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तो जैसे आपने ये स्टेटमेंट देखा तो आपको याद हो जाना चाहिए कि हम न्यूटन के गति के नियम की बात कर रहे हैं। दूसरा नियम, जब पिंड पर असंतुलित बल लागू होता है तो उसमें के वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन होता है, या संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यही न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन हुआ मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ तो चाल में भी परिवर्तन हो सकती है। तो दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चाल। इसका करेक्ट आंसर होगा चाल में परिवर्तन, ऑप्शन डी। जब तक असंतुलित बल लागू होगी तो वेग में परिवर्तन होगा, मतलब चाल में भी परिवर्तन होगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट होता है? निषेचित अंडा युग्मज ये क्या होता है? जब एग और स्पर्म निषेचित होता है, निषेचन होता है, तो जो निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं युग्मज। तो ये निषेचन होता है कहाँ पे? तो फेलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय, ग्रीवा में। और फिर ये निर्माण होने के बाद जाके प्रत्यारोपित कहाँ पर होता है? जहां पर कि भ्रूण का विकास होता है। तो कौन सी जगह है? ये जगह है गर्भाशय, गर्भाशय जिसको यूटेरस कहते हैं। तो गर्भाशय में जाके प्रत्यारोपित हो जाता है, जहां पे भ्रूण का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो गर्भाशय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री से है। निम्न में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लाइटिन से लिया गया है? दोस्तों, आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका अपना एक संकेत होता है। तो संकेत किसी के अंग्रेजी नाम से लिया गया है, कॉमन नाम से लिया गया है, किसी के लैटिन नाम से लिया गया है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। तो ये इसके नाम से ही लिया गया है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? तो Cl। ये भी इसके नाम से ही लिया गया है, अंग्रेजी नाम से लिया गया है। कार्बन का सिंबल होता है C। ये भी इसके इंग्लिश नेम से लिया गया है। आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। तो जबकि आयरन इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं IRON। ये आई से नहीं है इसका सिंबल, इसका सिंबल Fe है। Fe ये है लेटिन से लिया गया सिंबल, जिसको लेटिन में कहते हैं फेरम। जैसे आयरन को कहा जाता है लेटिन में फेरम, तो फेरम से ही ये आया है Fe। तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित सवाल है कि पश्चिम की ओर से देखे जाने पर हम खड़े हैं कहाँ पर? तो पश्चिम में। हम खड़े हैं कहाँ पर? पश्चिम में। तो ये हम खड़े हैं पश्चिम में और देख रहे हैं एक तार को जो सीधी है, पूरब से पश्चिम की दिशा में सीधी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है पूर्व से पश्चिम की तरफ, हमारी तरफ धारा का प्रवाह हो रहा है, इसी दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो नीचे किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र, इस तार पर, तार के नीचे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगी? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाह हो तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एक नियम है जिसे हम लोग कहते हैं दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड थंब रूल। तो ये नियम क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले ये जाने, तार की दिशा में दाहिने हाथ का कौन क्या रखेंगे? अंगूठा रखेंगे। तार की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे और तार को पकड़ेंगे। तो दाहिने हाथ करंट की दिशा में अंगूठा रख के तार को पकड़ेंगे, तो पकड़ेंगे तो उस पकड़ने के क्रम में जो फिंगर्स हैं, बाकी उंगलियां हैं, वो घूमती है। तो जब वो घूमती है तो जिस दिशा में घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में होगा। तो आप फील कीजिए कि तार पूरा पश्चिम है, पश्चिम की दिशा में करंट है, पश्चिम में उंगली रखा, तब हमने हाथ को घुमाया, फिंगर को घुमाया, तो किस दिशा में घूम रही है? अगर हम पश्चिम से देखें तो दोस्तों ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होगी, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा को वामावर्त दिशा होगी। यही अगर पूर्व से देखा जाता, इधर पूर्व से देखा जाता तो इसका जवाब क्या होता? दक्षिणावर्त होता। लेकिन पश्चिम से देखा जा रहा है इसलिए इसका जवाब क्या होगा? वामावर्त होगा। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ 32 जूल, 16 जूल, 24 जूल और 8 जूल। तो कोई बल किसी वस्तु पर लगती है जिसका द्रव्यमान कितना है? तो 1 किलोग्राम। इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ के हो जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड। तो कार्य निकाल रहे हैं आप, कार्य का फार्मूला जानते हैं, बल गुना विस्थापन। तो यहाँ न बल दिया है न विस्थापन दिया है, दिया है वस्तु का द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन। तो जब ऐसा दिया हुआ तो हम लोग कार्य कैसे निकालते हैं? तो कार्य निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, हिंदी में कार्य ऊर्जा सिद्धांत। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? तो किसी पिंड पे लगने वाले बल के द्वारा किया गया कार्य, टोटल वर्क, जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। के काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो परिवर्तन का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम हो गया 1, वी स्क्वायर हो गया फाइनल 8, 8 स्क्वायर माइनस हाफ मास 1, वी स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो सो इसका आंसर हो जाएगा हाफ 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 64 माइनस 16, तो 48/2 मतलब कितना जूल? 24 जूल। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, एक सिंपल फॉर्मूला पे है कि वर्क डन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस इनिशियल गतिज ऊर्जा। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सी। तो दोस्तों इसी तरह के सिंपल सिंपल सवाल रहते हैं, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आपके एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ये भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम, ये प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस पर आधारित कौन सी घटना है? तो
चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं। तो क्या यह तीसरे नियम पर आधारित है? तो नहीं, ये आधारित है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, हम पकड़ते हैं गेंद को, पकड़ने के दौरान हाथ को पीछे खींचते हैं ताकि क्या हो कि गेंद के रुकने का समय बढ़ जाए, तो रुकने का समय बढ़ जाए तो जिससे आपके हाथ पे कम चोट लगती है, तो इसलिए ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, तो क्या ये गति के तीसरे नियम की वजह से है? तो नहीं, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होती है टायर पर लगने वाले घर्षण बल के कारण, तो इसका आंसर होगा घर्षण के कारण, ना कि गति के तीसरे नियम के कारण, तो इसलिए बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, जब बस अचानक से चल पड़े तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जड़त्व, जड़त्व, जड़त्व की वजह से हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब वही जब बस में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो वो भी कारण है कौन? जड़त्व। तो बचा कौन ऑप्शन? डी, और आंसर करेक्ट आंसर यही होगा, रॉकेट लॉन्च करना। तो ये तीसरे नियम पर किस तरह से आधारित है? तो जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट से जली हुई गैस बाहर की तरफ, नीचे की तरफ आती है, तो जिस बल से गैस बाहर आती है उसी बल से वही बल रॉकेट पर ऊपर की तरफ लगता है, तो ऊपर की तरफ बल लगती है जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है, तो ये करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। गुरुत्व बल क्या होता है? गुरुत्व बल, तो पृथ्वी या कोई भी ग्रह किसी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, तो गलत। त्वरण, ये भी गलत। आवेग, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा भार। तो भार किसे कहते हैं? भार, तो जिस बल से पृथ्वी आकर्षित करती है उसी बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो यही गुरुत्व बल हो गया भार। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, मान लेते हैं ये वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो इस पर लगने वाला बल, केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है कोणीय बल। कोणीय बल ऐसा कोई बल नहीं होता है, साधारण बल। तो बल को साधारण या विशिष्ट रूप में नहीं परिभाषित करते हैं हम लोग, वो कार्य क्या करता है, किस किस कारण से है, इन सब आधारों पर उसका नाम होता है। बचा विकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? जो वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ लगता है बल, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, इंग्लिश में सेंट्रीपीटल फोर्स। तो वृत्तीय गति में दो बल कार्य करता है, एक सेंट्रीपीटल फोर्स होता है अभिकेंद्रीय बल, दूसरा टेंजेंशियल फोर्स होता है। टेंजेंशियल फोर्स, तो दोनों का काम क्या सब है? अभिकेंद्रीय बल का काम होता है वृत्तीय पथ पे दिशा में परिवर्तन करना, दिशा जो बदल रही है उसमें बदलाव लाना, और टेंजेंशियल फोर्स का काम होता है इसके वेग में, मतलब चाल में परिवर्तन लाना, चाल को बढ़ाना या घटाना। तो दो तरह का बल होता है वृत्तीय गति में, याद रखेंगे, केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल सेंट्रिपिटल फोर्स, और टेंजेंट की तरफ, टेंजेंट स्पर्श रेखा की तरफ, स्पर्शी बल जिसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो ये दिशा में परिवर्तन लाता है, सेंट्रिपिटल फोर्स दिशा में परिवर्तन लाता है, और आपका टेंजेंशियल फोर्स ये परिवर्तन लाता है किस चीज में? तो चाल में परिवर्तन लाता है। तो टेंजेंशियल फोर्स चाल में परिवर्तन, और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो दिशा में परिवर्तन लाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है वृत्तीय गति के लिए, इसको याद रखेंगे। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का सवाल, तो निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 होता है? जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है,
तो आप जानते हैं पीएच मान 0 से 14 तक होता है, बीच में आता है 7। तो 7 पे जो जिसका पीएच होता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जिसका 7 से कम होता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है? तो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। जिसका 7 से ज्यादा होता है वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, जिसको हम लोग बेसिक कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं, तो क्षारीय सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ कह रहा है पीएच मान 7 से कम है, तो 7 से कम मतलब एसिडिक सॉल्यूशन। तो आपको अब इसमें ऑप्शन में देखना है कि ये जो चार लवण दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इसमें से जल में घुलने पर कौन बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट जब जल में घुलेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगी, तो आपको एसिडिक प्राप्त करना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगी, तो ये बेसिक होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट भी सोडियम हाइड्रोक्साइड देगी, ये भी बेसिक हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड ये आपको जल में घुलने पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl देगा, तो ये काफी स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस है, तो जल में घुलने पर ये दोनों रहता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन बन जाता है एक्चुअली में। तो अगला है अमोनियम क्लोराइड, जब ये जल में घुलती है तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन देगा? HCl देगा। तो ये HCl स्ट्रांग है और ये वीक है, इसलिए इसका असर ज्यादा होगा, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? अमोनियम क्लोराइड। तो ना ही सोडियम बाइकार्बोनेट, ना ही सोडियम कार्बोनेट, ना सोडियम क्लोराइड, आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो धातु ऑक्साइड, मेटल हमेशा धातु के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, कॉपर भी ऑक्साइड बनाती है, आयरन भी ऑक्साइड बनाती है, लेकिन यहाँ पे सवाल कर रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए जल वाष्प से वाष्प के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो ये सभी नहीं कर पाते हैं, ये कर पाता है कौन? एल्युमिनियम कर पाता है, कॉपर, लेड, सिल्वर ये सब नहीं कर पाता है, एल्युमिनियम कर सकता है, आयरन कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो अगला सवाल है हमारा, निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो जैसे धातु है, धातु आप जानते हैं साधारणतया ठोस होता है, तो ठोस होता है, और कुछ धातु है जो लिक्विड के रूप में होता है, कौन सा धातु है? तो मरकरी, पारा, ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है, तो ये लिक्विड ठोस और द्रव दोनों अवस्था में होता है। निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व सब के सब क्या है? तो गैस है, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, ज़ेनोन, रेडन, ये सब के सब गैसीय अवस्था में है। अधातु, अधातु में है सॉलिड भी है, जैसे कार्बन है सॉलिड है, ब्रोमीन है लिक्विड है, गैस भी पाया जाता है जैसे कि नाइट्रोजन है, ये गैस है। उपधातु ये सॉलिड और जनरली सॉलिड ही है सारे के सारे उपधातु, अधातु ही ऐसे है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा अधातु, ऑप्शन सी। तब देखिए कुल कितने अधातु हैं, अधातुओं की संख्या है टोटल 27, जिसमें से 11 गैस है, 15 ठोस है और एक द्रव है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और फ्लोएम, तो इसका आंसर है कोलेनकाइमा। क्यों है कोलेनकाइमा? तो दोस्तों इसका पूरा आप एक्सप्लेनेशन देखें कि पौधों में जो उत्तक पाया जाती है वो तीन उत्तक है, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का क्या काम है? ये इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन प्रदान करता है और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो आपसे पूछा गया लचीलापन कौन होगा, तो कोलेनकाइमा होगा। इसके साथ साथ ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का मेन काम है प्रोवाइडिंग रिजिडिटी मतलब दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना, और पैरेनकाइमा का मेन काम है फूड स्टोरेज, खाना को स्टोर करना, हीलिंग, उपचार करना, रिपेयर करना, जो भी डैमेज होता है प्लांट में तो उसका उपचार करता है, रिपेयर करता है कौन? पैरेनकाइमा। तीनों, ये तीनों स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, इसको याद रखेंगे,
तभी जो आपसे लचीलापन कहा, तो लचीलापन होता है इलास्टिसिटी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा कोलेनकाइमा। अगर दृढ़ता पूछा जाए तो स्क्लेरेनकाइमा, खाना स्टोर करना रिपेयर का काम पूछा जाए तो पैरेनकाइमा, अभी आपका आंसर होगा कोलेनकाइमा। और जाइलम और फ्लोएम जो है आप जानते हैं, ये भोजन को जड़ से जल को जड़ से पत्तों तक और पत्तों से फिर खाना को पहुंचाने तक तो ये काम करता है। नेक्स्ट, किस प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? तो पौधे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन मुक्त करती है, लेकिन कब, किस घटना के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान या फिर श्वसन, प्रसिद्धन, उत्सर्जन, किसके दौरान? ये निश्चित रूप से आप जानते हैं कि इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, उसके बाद उसका जलवाष्प से रिएक्शन करके जड़ से जल आती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों जल मिलकर रिएक्शन करके क्या बनाता है, C6H12O6, और उसके साथ रिलीज क्या होता है, क्या मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। यही ऑक्सीजन जो कि हम सांस लेते हैं, तो पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन का निर्माण करती है। लेकिन रात में श्वसन के दौरान, पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा करती है और रात में श्वसन की क्रिया ज्यादा करती है, तो श्वसन के दौरान यही क्रिया उलट जाती है, ये ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इसलिए दोस्तों रात को पेड़ के आसपास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। बट पीपल एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर आपको ऑक्सीजन देती है, तो इसलिए पीपल का पौधा वातावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो जितने भी जंतु है उसको रक्त के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक गर्म रक्त वाला और दूसरा ठंडे रक्त वाला, तो हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। तो किसको कहते हैं हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, गर्म रक्त वाला किसको कहते हैं? तो गर्म रक्त वाला हम कहते हैं ऐसे प्राणी को, ऐसे जंतु को जो अपने बॉडी का तापमान हमेशा बनाए रखता है। जैसे हॉट ब्लडेड में कौन सब है, तो हॉट ब्लडेड में आप देख सकते हैं हमारा है ह्यूमन मतलब हम लोग हैं, भालू है, शेर है, पिजन मतलब कबूतर है, तो जितने भी मेमल्स है सब हॉट ब्लडेड होता है। तो कहते किसको हॉट ब्लडेड, तो जो अपना तापमान हर परिस्थिति में बनाए रखता है। जैसे हमारे बॉडी का तापमान हमेशा होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे कम या ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत की बात है, तो बॉडी का तापमान हमेशा मेंटेन रहता है 37, तो ऐसे जंतु कहते हैं हॉट ब्लडेड। तो पिजन जो है, कबूतर जो है हॉट ब्लडेड होता है, तो हमारा आंसर होगा कबूतर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल उसको कहते हैं जो वातावरण के हिसाब से अपने बॉडी का तापमान जो है बदलते रहता है, जैसे कि फिश है, फ्रॉग है, मेढक है और अदर रेप्टाइल्स है, तो ये सब अपने बॉडी का तापमान वातावरण के हिसाब से बदलता है। तो दोस्तों इन उदाहरणों को याद रखेंगे आप, तो इस तरह के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, कभी नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो ये निश्चित रूप से आप जानते होंगे बाहरी कोष पूर्ण होता है किसका, तो अकड़िया गैसों का। अकड़िया गैस कहाँ पर है आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी के सबसे दाहिने छोर पर, जो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस ग्रुप में है, 18वें ग्रुप में, 18वां। इधर लेफ्ट से शुरुआत हुआ है 1 2 3 4, जो कि पहले 1A 2A था, अब उसको हो गया 1 2, जो 1A 2A था। इधर से जो 7A 8 था, 8 ग्रुप था, अब वो कौन सा हो गया, 18वां हो गया है, इसलिए हमारा आंसर होगा 18वां, ऑप्शन सी। प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। अगला सवाल है धनावेशित तत्व के बारे में, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बारे में, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फिर से कहाँ पर होता है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में ये सबसे बाएं की तरफ होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इस बाएं में पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, तो ये तीनों धनावेशित तत्व होते हैं, तो जिसकी मतलब गुण है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसकी संयोजकता, पहले ग्रुप की संयोजकता होती है 1, दूसरे की 2 और तीसरे की 3, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 1 2 और 3, ऑप्शन डी। अगला सवाल है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान, ये रटने वाली चीज है, आप रटेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो
प्रत्येक द्रव्यमान 6 × 10⁴ किलोग्राम होता है, यह है द्रव्यमान। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। तो द्रव्यमान जो है 6 × 10⁴ किलोग्राम और त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। अगला सवाल, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ध्वनि जो है बिना माध्यम के नहीं चल सकती है, इसके लिए माध्यम का होना जरूरी है, क्योंकि ये कौन सी तरंग है? तो ध्वनि जो है मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम का होना जरूरी है। तो माध्यम तो चाहिए चाहिए, से निर्वात तो नहीं होगा। अब ठोस, द्रव और गैस, ये तीन तरह के माध्यम है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है ठोस में, जो जितना घनत्व वाला होगा उसमें ध्वनि का वेग उतना ही ज्यादा, तो ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव, और सबसे कम केस में जो जनरली गैस में होता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? ठोस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य है। तो दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम, दो बिंदु है मान लेते हैं ए और बी, इसके बीच में 4 कूलम आवेश को ले जाया जा रहा है, जिसके बीच विभवांतर दिया हुआ कितना है? 18 वोल्ट है। तो कार्य, तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है, कार्य आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का फॉर्मूला, कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर, W बराबर Q × ΔV। तो यहाँ पे आवेश दिया हुआ है 4, विभवांतर दिया हुआ 18, तो इसलिए इसको ले जाने में वर्क होगा 18 × 72 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर सेट में है, इसलिए इसको याद रखेंगे, निश्चित रूप से आपका एक सवाल कभी नहीं छूटेगा। अगला सवाल है प्रतिरोध से। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो प्रतिरोध किस बातों पर निर्भर करता है या नहीं करता है? सारे सवालों का जवाब है आपके एक फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला आप जानते हैं, R बराबर ρ × L/A। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। रो क्या है? तो ये रो है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है पदार्थ पे, मटेरियल पे, मटेरियल कौन सा है, और किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। तो दोस्तों प्रतिरोध जो है 4 बातों पर निर्भर करता है, लंबाई, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, पदार्थ कौन सा है, और उसका तापमान कितना है। अब देख लें, इसमें लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ पे करता है, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पे करता है, तो किस पर नहीं करता है? तो दाब पर निर्भर नहीं करता। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार डैश में सदैव होता है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो यह अनुपात कितना होगा? तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 1 × 2। ऑक्सीजन 1 एटम है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16, इसलिए इसका अनुपात हो गया 1:8, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे डैश कहते हैं। तो ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे, तो इसको हम लोग कहते हैं वनस्पति प्रजनन। एक शाखा को मिट्टी में आप दबा देते हैं, जिसके वजह से वो फिर से एक नया पौधा बन जाता है, तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रजनन, ऑप्शन ए। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? तो धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। Na2 सोडियम कार्बोनेट को ही कहते हैं धोवन सोडा, जिसमें जो पानी के अणु हैं वो कितने हैं? 10 है। इसे करेक्ट आंसर होगा डी। तो दोस्तों ये पहले सेट का था जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किया, तो इसके सारे सवाल आप देखें अच्छे से, इसको रिवाइज कर लें,
ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के कभी ना छूटे। तो आज इतना ही, फिर हम इस कड़ी में हाजिर होंगे अगला सेट लेकर के, बहुत ही जल्द आपसे हाजिर मिलेंगे हम। तो तब तक आप इसे देखें, वीडियो को देखें, समझें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। थैंक यू, आज इतना ही।